Good morning, everyone. Welcome to Manula classes. In the live session of daily news analysis, today is 23rd of January 2024. You are watching with Naresh Sharma. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसके लिए सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. Now we are going to start the very important news which can be very important for your examination. So first one is mosquito fish. पहली न्यूज हम स्टार्ट करते हैं मॉस्क्यूटो फिश से. ये एक ऐसी फिश है जिसे हम मॉस्क्यूटोज या मच्छरों की सफाई के लिए जानते हैं. क्या कंटेक्स्ट है? रिसेंटली जो विशाखापट्टनम की जो म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ के ऑफिशियल्स ने क्या किया है कि अभी वहाँ अपने जो जितनी भी वहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज हैं उनमें करीब 6 लाख मॉस्क्यूटो फिश को क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे. इससे पहले हालांकि उन्होंने अराउंड 20 लाख जो फिश थी उनको फ्यू मंथ्स अगो रिलीज किया था उन जो वाटर बॉडीज में. अब ऐसा क्या है इसके बारे में, क्यों ये पॉपुलर है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तो उसको हम समझ लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. तो ये देखो इसका ऐसा जो है फेस है, ऐसी दिखती है ये. इसका देखो यहाँ मुंह ऊपर की तरफ होता है, देखो है ना, ऊपर की तरफ ऐसे आप इसको देख पाएंगे तो ऐसे है इसका, यूं ऐसे कुछ ऐसे है. ठीक है, तो मच्छरों को खाने के लिए क्या है इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स. तो की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इस मॉस्क्यूटो फिश का जो एक्चुअल नाम है वो है गैम्बूसिया एफिनिस. कई बार आपको बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये मिलेगा कि जो गैम्बूसिया फिश है इसका क्या उपयोग है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है. ये स्मॉल होती है और लाइव बियरिंग फिश दैट आर डली ग्रे और ब्राउन इन कलर, कुछ ऐसा इनका कलर होता है. दे लाइक कैसा शैलो वाटर, मीन ज्यादा बहुत ज्यादा डीप और या डेप्थ में ये जो है नहीं मिलती. एनक्लोज्ड फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर्स, मीन्स फ्रेश वाटर और जो ब्रैकिश वाटर होता है ओशियन का भी हो सकता है, या जो पानी बिल्कुल मीन्स जो स्टॉक्ड होता है, बहता हुआ पानी नहीं. इंक्लूड जिसमें मार्शेज होते हैं, जो मार्शी लैंड होती है, जो दलदल वाला एरिया, स्वैम्प्स टू लेक, तो ऐसे एरिया में मोस्टली ये रहती है. थोड़ा सा गंदा संदा पानी जो होता है वहां पर ये रहती है. दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड अराउंड द वर्ल्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट फॉर मॉस्क्यूटोज. देखो ये कैसा एजेंट है, ये बायो कंट्रोल एजेंट है. कैसे, क्यों बोल रहे हैं इसको, देखो जनरली जब हम बात करते हैं मच्छरों को या और भी बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह को उनके लिए यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें हमें केमिकल्स का यूज करना पड़ता है. जैसे आपको कई बार देखा होगा कि ऑल आउट वगैरह लगा देते हैं, है ना, या जो साइक्लोथ्रिन कॉइल्स होती हैं, ऐसी जो आती है तो उसको आप जला देते हैं, उससे मच्छरों को भगाते हैं. तो एक्चुअली में वो क्या है, वो सबके सब उनमें यूज होता है कुछ केमिकल्स. लेकिन ये जो गैम्बूसिया फिश है ये अपने आप में क्या है, एक बायो कंट्रोल एजेंट है. मीन्स इसमें कोई केमिकल का यूज तो करना नहीं है. देखो ये काम कैसे करती है कि इसको जिस भी वाटर बॉडी में हम रिलीज कर देते हैं, वाटर बॉडी में सपोज करो वहां पर कोई छोटा मोटा एक पाउंड है, तालाब है छोटा मोटा, तो उसमें इसको रिलीज कर देंगे. अब ये क्या करेगी कि जो मॉस्क्यूटो होते हैं, ठीक है, उन मच्छरों को वहां पर जब वो पानी की लेयर के ऊपर बैठते हैं या अपने एग्स को रिलीज करते हैं या अपना लार्वा रिलीज करते हैं, जिनसे उनके आगे और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, यहाँ से नए मच्छर जन्म लेते हैं. ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है, अर्थात ये जो गैम्बूसिया फिश है, ये क्या करेगी, उन मच्छरों को और वो जो नए मच्छरों के जो एग्स होंगे उन सबको खा जाती है, तो उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम को क्या कर देती है, बीच में ब्रेक लगा देती है. इसलिए मॉस्क्यूटो फिश को वर्ल्ड लेवल पर काफी पसंद किया जाता है मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए. दे कैन विदस्टैंड एनवायरमेंटल कंडीशन, और अच्छी बात इनकी ये है कि ये दैट नेटिव मीन्स बहुत सारी ऐसी फिश होती हैं जो कई बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं सहन कर पाती, या जिन वाटर्स में जिस वाटर बॉडी में लो ऑक्सीजन होता है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाती. बट ये जो मॉस्क्यूटो फिश हैं ये क्या करती हैं कि लो ऑक्सीजन वाले वाटर में, गंदे पानी में, बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पर टेम्परेचर वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें भी अपने आप को ये सर्वाइव कर लेती है. अब आपको पता ही होगा कि अंग्रेज भारत में रूल करने के लिए आए हुए थे तो उन्होंने इंडिया पर रूल किया. अब
इंग्लैंड में या फ्रांस में वो वाला जो रीजन है यूरोप का, उसमें मोस्टली मच्छर वगैरह सब नहीं मिलते, बिकॉज वहाँ पर कैसा है, ठंडा एरिया है। अब जब वो यहाँ पर उनके ऑफिसर्स वगैरह वो सब रहते थे, तो उनको मच्छर काटते थे, तो उन्होंने इस मछली को, इस फिश को 1928 में इंडिया में रिलीज किया। किस लिए? मलेरिया कंट्रोल के लिए, क्योंकि उनको मलेरिया हो जाता था खुद को, और बहुत सारे मलेरिया लोगों को भी होता था, तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये फिश को लेकर के आए। अब देखो, ये जो गैम्बूसिया फिश है, एक्चुअल में इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये एक इनवेसिव स्पीसीज में इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है? इनवेसिव स्पीसीज में हम इसको मोस्टली मानते हैं, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, बिकॉज ये क्या करती है कि फिर जो अदर स्पीसीज होती है उनको वहां से खत्म कर देती है। तो इनवेसिव है, मीन्स इन्वेजन कर देती है, अटैक कर देती है। फिर अगर उस रीजन में कौन रहेगा, केवल गैम्बूसिया रह जाती है, बाकी सबको खत्म कर देती है, खा जाती है, मच्छरों को खा जाती है, और भी कुछ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं उनको खा सकती है। तो 1982 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर बैन लगा दिया था कि नहीं भाई, इसको आप जगह जगह पर रिलीज नहीं करोगे, क्योंकि इससे बहुत सारी जो अदर स्पीसीज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो 2018 में तो इंडिया ने भी इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में इसको यूज भी किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कैम्बोसिया फिश के बारे में, इट इज अ बायो कंट्रोल एजेंट है टू कंट्रोल द मॉस्किटोज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अरिचल मुनाय, ठीक है? इस रीजन में अभी इसका कंटेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज विजिटेड अरिचल मुनाय इन तमिलनाडु में। आपसे पूछा जा सकता है कि अरिचल मुनाय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। नाम है इसका अरिचल मुनाय, ये एक प्लेस है। नाउ लेट्स हैव सम की पॉइंट्स अबाउट दिस प्लेस। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ तमिलनाडु और उस रीजन में। ये हो गया आपका इंडिया का मैप, ये वाला रीजन हमारा इंडिया का मैप हो गया पूरा का पूरा। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर है हमारा अरिचल मुनाई। मैं अभी आपको सबसे पहले अरिचल मुनाई की बजाय मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि इस रीजन की ज्योग्राफी क्या है। तो इधर तो है आपकी गल्फ ऑफ मन्नार है, ये आपकी पाक स्टेट है जहाँ से जब हम जाते हैं, ये आपका श्रीलंका वाला रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसकी कैपिटल हो गई यहाँ पर कोलंबो, ठीक है? तो ये मीन्स आपको ये श्रीलंका को देख लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी, के ये वाला जो रीजन है, यहाँ से जो भगवान प्रभु श्री राम ने जो एडम्स, जिसको हम कई बार एडम्स ब्रिज बोलते हैं, राम सेतु जैसे हम बोलते हैं, वो बनाया था श्रीलंका जाने के लिए, तो यहाँ वाले इस रीजन में, ठीक है? तो ये आपको देख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको स्पेसिफिकली अरिचल मुनाय को समझने के लिए। अब आते हैं देखो इस रीजन में, ठीक है? तो ये आपने देख लिया कि सारा का सारा तमिलनाडु वाला रीजन है। ये हो गया आपका रामेश्वरम, ठीक है? रामेश्वरम क्या है, रामेश्वरम एक टेम्पल है यहाँ पर, और एक द्वीप भी है, टेम्पल है ये रामेश्वरम। एक्चुअल में क्या है कि जब भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की थी, ठीक है, लंका पर युद्ध करने से पहले, और यहीं पर उन्होंने जो है ओशियन को भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझे रास्ता हमें दिया जाए, तो यहाँ पर रामेश्वरम का टेम्पल है। यहीं पर फिर है आपकी क्या, अरिचल मुनाय, जहां पर ये वाला रीजन बे ऑफ बंगाल हो गया इधर से, और इधर से गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों आपस में मिलती हैं, और इधर से यहाँ पर रामेश्वरम जो हमारा जो स्थान है, टेम्पल है, इसका ये वाला जो एरिया यहाँ पर मिलता है। तो श्रीलंका की तरफ से और इंडिया की तरफ से जो राम सेतु वाला रीजन है, उसके आसपास का यहाँ वाला एक रीजन है, और यहाँ पर एक अपना टेम्पल कहा जाता है कि इधर से बे ऑफ बंगाल और इधर से अरबी ओशियन या इंडियन ओशियन वाला रीजन यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है? तो इस रीजन को जानते हैं हम अरिचल मुनाय के नाम से। उसका मतलब होता है कि इधर वाली वाटर बॉडी और इधर वाली वाटर बॉडी दोनों जहाँ पर मिल रही हों, उसको हम अरिचल मुनाय कहते हैं। स्पेशली ये तो आपकी गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन हो गया, ये हो गया आपका पाक स्टेट वाला रीजन। तो इसको आप ज्योग्राफिकली ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए अब इसको हम बेसिकली कुछ और भी थोड़ा सा की पॉइंट्स के रूप में समझते हैं। अरिचल मुनाय इज तमिल वर्ड है, तमिल भाषा का वर्ड है, दैट रेफर्स टू द मीटिंग पॉइंट ऑफ बे ऑफ बंगाल, और इधर से इसको मिला रहा है ये गल्फ ऑफ मन्नार को सी ऑफ द इंडियन ओशन में। तो अभी हम जो ऊपर देख करके आए थे, इधर तो आपको पता ही होगा कि ये वाला जो रीजन है सब बे ऑफ बंगाल है, इधर आपको इंडियन ओशन का ही रीजन है, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है जो हमने अभी ऊपर भी देखा था, यहाँ देख लीजिए, ये हो ना गल्फ ऑफ मन्नार, और इधर हो गई आपकी बे ऑफ बंगाल, ये देखो पूरा एरिया इधर की तरफ से, यहीं से फिर आगे चल करके हम चले जाते हैं पैसिफिक ओशन में,
जो इंडोनेशिया वगैरह वो वाला रीजन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि अरुणाचल मनाई क्या है, जहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल दोनों क्या होती है, मिलती है। दिस मीटिंग पॉइंट इज लोकेटेड एट धनुष कोटी बीच। जो धनुष कोटी बीच है यहाँ पर, उस जगह पर ये क्या होता है, एक मीटिंग पॉइंट बनता है इन दोनों वाटर बॉडीज का, जो कहाँ पर है, रामेश्वरम आइलैंड, अभी ऊपर हमने आपको मैप में दिखाया था वहां पे। धनुष कोटी एंड अबेंडन्ड टाउन है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये पहले एक बहुत अच्छा खासा टाउन हुआ करता था, लेकिन अब वहां पर बहुत ज्यादा कोई पॉपुलेशन वगैरह नहीं रहती, ये अबेंडन किया जा चुका है। ठीक है, और सदर्न ईस्ट साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ पंबन आइलैंड, रामेश्वरम तीर्थ है, तो ये पंबन आइलैंड का जो साउथ ईस्टर्न टिप है, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको अगर हम यहाँ से इरेज कर दें तो ये देखो, ये हो गया आपका पंबन आइलैंड। ठीक है, ये पंबन आइलैंड है, तो इसके इधर वाले रीजन में है ये। ठीक है, साउथ ईस्ट वाले रीजन में, तो ऐसे आपको ध्यान में आप इसको रख सकते हैं। तो अर्चुल मुनाई आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस हिंदू स्क्रिप्चर्स की अगर हम बात करें, तो अर्चुल मुनाई इज द प्लेस वेयर राम सेतु वाज बिल्ट, यहीं से राम सेतु का बनना स्टार्ट हुआ था, इसी को हम क्या कहते हैं, अर्चुल मुनाई। और कई बार इसी राम सेतु को हम क्या बोल देते हैं, एडम्स ब्रिज बोल देते हैं। ठीक है, और अरचल मुनाई इज फेमस फॉर स्टनिंग बीच, स्ट्रॉन्ग वेव्स, अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह यहाँ पर है, तो उसी के लिए इसको हम जानते हैं। आइए हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज मिताक्षरा लॉ। ठीक है, एक्चुअली इसको जानने से पहले थोड़ा सा कंटेक्ट देख लेते हैं, है क्या, कभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि द चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज कैन नॉट बी डिनाइड शेयर इन पेरेंट्स प्रॉपर्टी। सपोज करो ये कोई ए नाम का पुरुष है और ये बी नाम की कोई महिला है, ये एक मिस मेल है, ये फीमेल है। अब इनकी इनके जो है रिलेशंस की वजह से एक सी नाम का बच्चा पैदा हुआ। अब जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इन दोनों की शादी हुई नहीं थी। ठीक है, मीन्स बिफोर मैरिज ये बच्चा पैदा हो गया, जन्म इसका हो गया, या इन्होंने जो मैरिज की तो उनमें से कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि इनकी मैरिज क्या हो गई, वॉइड मानी जाए या वॉइडेबल मानी जाए। ठीक है, उस कंडीशन में, तो सपोज उस कंडीशन में यदि ये बच्चे का जन्म होता है तो इस बच्चे का तो कोई दोष नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भले ही मैरिज आपकी इलीगल हो, लीगल हो, वॉइड हो, वॉइडेबल हो, कैसी भी मैरिज हो, अगर उससे वो बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी के राइट्स जो होंगे उस बच्चे को हमेशा मिलेंगे। बात समझ में आ गई आपकी? तो यहाँ की सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, जो पहले से मैरिज वॉइड थी, खत्म थी, हुई नहीं थी, वो उस मैरिज को हम काउंट ही नहीं करेंगे ऐसी, और एक ऐसी मैरिज वॉइडेबल के बाद में उसको हम कैंसिल कर सकते हैं ऐसी मैरिज, कैन नॉट बी डिनाइड शेयर इन पेरेंट्स प्रॉपर्टी, पेरेंट की प्रॉपर्टी में उनको राइट से वंचित आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं। कोर्ट कंक्लूडेड दैट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये रिकॉग्नाइज करता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ। तो हम मिताक्षरा लॉ को इसमें एक्सेप्ट करते हैं। मिताक्षरा को लॉ क्या है, तो देखो एक्चुअली में हिंदू में जो प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, उसको रूल करने के लिए इंडिया में टू टाइप्स के स्कूल्स हैं जिसके अंदर हम हिंदू लॉ की स्टडी करते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी राइट्स। तो हमारे पास दो स्कूल्स हैं इसको पढ़ने के लिए। नंबर एक आपका हो गया मिताक्षरा और नंबर दो हो गया आपके पास में दयाभाग। जब आप लॉ करने के लिए जाओगे, LLB अपने आप करोगे, तो इसको आप पढ़ोगे वहां पर। ठीक है, मिताक्षरा और दयाभाग, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप देखोगे जब आप हिंदू लॉ पढ़ोगे। अच्छा, इन दोनों में ही क्या है, दोनों किसकी बात करते हैं, गवर्न्स द सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बताते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होगी और कैसे वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पर किस किस के राइट्स होंगे, कितने राइट्स होंगे। जैसे इट होल्ड्स दैट सन, ग्रैंडसन मींस बेटा, या जो नाती जिसको हम बोलते हैं ग्रैंडसन, और ग्रैंडसन का भी सन हैव राइट टू फैमिली प्रॉपर्टी थ्रू बर्थ। तो इनको जन्म की वजह से ही उस फैमिली की प्रॉपर्टी पर राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक कोई ए नाम के व्यक्ति थे,
इनके पास प्रॉपर्टी आई इनके फादर से, इनका फिर एक बेटा हुआ सी, और इसकी इसकी प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पर कोई डी हुआ, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी ए के पास थी, इन्होंने खुद तो परचेज नहीं की थी, किसके पास से थी ये, एक्स के नाम से, इनके फादर से आई थी इनको। अब ये ए चाहे कि नहीं मैं इस प्रॉपर्टी को सी को नहीं दूंगा और केवल डी को दूंगा, इनके बेटे को, या और दो भाई थे सब कुछ करो भी इसको देना चाहे, बिकॉज ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, इनके दादा परदादा से आई थी ए के पास। तो ए ऐसा नहीं कर सकते कि इस प्रॉपर्टी में से अपने एक बेटे को दे और दूसरे को ना दे, बिकॉज ये प्रॉपर्टी उनकी पर्सनल नहीं है, वो दोनों को देनी होगी इक्वल। मींस यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी अगर एक ही है तो उस प्रॉपर्टी को वो किसी को दे सकते हैं, लेकिन जो दादा परदादा से प्रॉपर्टी आई है तो उस पर वो रोक नहीं लगा सकते कि एक बेटे को तो मिलेगी दूसरे को नहीं मिलेगी, ठीक है। इट ऑल्सो रिकोगनाइजेज राइट्स ऑफ डॉटर्स, मीन्स अब ये जो रूल है लताक्षरा दया भाग वगैरह, तो डॉटर्स सन वगैरह उनके राइट्स प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में कैसे रेगुलेट होंगे और कैसे उन पर क्या क्या लिमिटेशन होंगी, उन सबको क्या करता है ये डील करता है कौन, मिताक्षरा और दया भाग। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो है इसी तरीके के कॉन्सेप्ट यूज किए गए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज, दैट इज श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल भी इस समय जो है काफी पॉपुलर हुआ, और बिकॉज यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वो गए थे और वहां पर उन्होंने प्रेयर की, बिकॉज आपको पता होगा कि राम जन्मभूमि में जो है प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कई मंदिरों में गए थे जो इंडिया के तीर्थ स्थल हैं, वहां पर तो उनमें से एक है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है ना, ये देखो, और ये सारा का सारा स्टोन्स का बना हुआ है, ब्रिक्स का नहीं है ये। तो उस समय देखो लोग कितने कितने मीन्स कितनी एडवांस हमारे पास में आर्ट एंड कल्चर रहा करता था इंडिया का, ठीक है। तो की पॉइंट्स की अगर हम बात करें रंगनाथ स्वामी टेम्पल के बारे में, तो लेट्स हैव सम की पॉइंट्स। इस टेम्पल को ही हम थिरुवरंग तिरुपति भी कहते हैं, क्या नाम है, थिरुवरंग तिरुपति भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो अगर वो पूछे कि श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में सिचुएट करता है। इट इज डेडिकेटेड टू रंगनाथ, रंगनाथ कौन है यहाँ पर, तो रंगनाथ जो है भगवान शिव, सॉरी भगवान विष्णु को ही एक रूप में रंगनाथ वहां पर कहा जाता है। और इसका जो स्टाइल क्या है वो द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है और काफी कॉम्प्लेक्स है ये, जहाँ के 21 स्कल्पलर गोपुरम्स बने हुए हैं, 50 छोटे छोटे और भी श्राइन्स हैं, 9 सेक्रेट पूल्स हैं अर्थात टैंक बने हुए हैं। तो एक्चुअल में अगर हम इसकी बात करें तो ये जो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, इट्स नॉट जस्ट अ टेम्पल बट अ टेम्पल टाउन, ये पूरा का पूरा एक टाउन है जहाँ पर पूरी की पूरी इकोनॉमी, लोगों का पूरा जीवन, उनकी लाइफ, उनका आर्ट, उनका कल्चर, उनकी जो है लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टैंडर्ड, ठीक है, उनका जो है उनका एम्प्लॉयमेंट और उनकी रोजी रोटी वगैरह सब यहीं से चलती है। तो एक्चुअल में जो एंशियंट इंडिया हुआ करता था उसमें जिनको हम आज हम केवल टेम्पल समझते हैं ना, ये टेम्पल केवल धर्म के स्थान नहीं हुआ करते थे। देखो यहाँ पर एजुकेशन भी होती थी, यहाँ पर प्रॉपर गुरुकुल चलते थे, ठीक है, यहाँ पर उसी के आसपास में बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के जो है वो हुआ करते थे, क्या बोलते हैं, शॉप्स वगैरह हुआ करते थे यहाँ पर। लोग मीन्स मान लो सपोज करो कि आप मंदिर आए तो आपने भगवान के दर्शन भी किए, दर्शन किए, वहीं से आपने अपने साथ में शॉपिंग भी कर ली, ठीक है, वहीं आपके बच्चे पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं, वहीं पर पास में क्या है, कोई रिवर भी है, तो आपने स्नान वगैरह वो सब किया, वाटर के लिए भी लोग आए, क्योंकि देखो आज की तरह समर तो थी नहीं, तो लोग पानी भी भरने वहां पे आते थे। सपोज करो कि आप एक फार्मर हैं और आपको अपने हल के लिए जो प्लो होता है खेत का, उसमें आपके में कोई डिफेक्ट आ गया, उसको रिपेयरिंग करवानी है, तो मंदिर के पास में फिर ये रिपेयरिंग वाले भी लोग बैठा करते थे। तो ये एक प्रकार से पूरा टाउन हुआ करता था, पूरी मार्केट हुआ करती थी, जहां से पूरी पूरी इकोनॉमी चलती थी। तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल था, जो लाइफ की कनेक्टिविटी थी, उसमें बहुत ज्यादा क्या था, पीस थी, शांति थी, बहुत ज्यादा क्या नहीं था, मटेरियलिज्म नहीं था लोगों की लाइफ में। तो सारी की सारी लाइफ में वो किस चीज को लेकर के चलते थे कि मंदिर तो हम जाएंगे, हमारे जीवन भी चलेगा और हम भगवान का नाम भी क्या रहेंगे, लेते रहेंगे।
अब कई लोगों को लगता होगा कि भगवान का नाम लेने से हमको क्या फायदा और क्या सब है। तो देखो, इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा अगर आपको समझाऊं तो आपको आइडिया लगेगा कि जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है, इनमें मंदिरों की क्या इकोनॉमी और कैसे रन करती थी। सपोज करो कि आप धर्म में आस्था रखते हैं। धर्म का मतलब है आपकी ड्यूटी, आपके कर्तव्य, ठीक है। तो यदि आप अपने जीवन में धर्म को, भगवान को याद रखते हो, ध्यान में रखते हो, तो आप कोई भी पाप करने से बचोगे, ठीक है। सपोज करो आपको बताया गया कि किसी की बेटी बहन दूसरे की पत्नी, उनको गंदी नजर से देखना एक पाप है, तो आपके जीवन में क्या तैयार हो रहा है, एक चरित्रवान व्यक्ति तैयार हो रहा है, वहां से आपके जीवन में लाइफ में एक कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है। आपसे धर्म में बताया जा रहा है कि चोरी करना गलत बात है, तो आप यदि इन चीजों को अपनी लाइफ में उतार लोगे तो क्या होगा कि आप जब गवर्नमेंट की जॉब में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो आप करप्शन से भी तो बचोगे, है ना, भ्रष्टाचार भी नहीं करोगे, आप झूठ भी नहीं बोलोगे। तो जो आज जिनको हम लॉ की फॉर्म में देखते हैं वो लगभग क्या है, तो वही धर्म से ली गई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति का करेक्टर बिल्ड करती है। तो इकोनॉमी, जो मंदिरों का जो पूरा सिस्टम हुआ करता था, ये सारा का सारा मीन्स जो इंडियन लाइफस्टाइल जो हुआ करती थी, कि जब हम कहते थे ना भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो सोने की चिड़िया मतलब केवल धन नहीं, लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस होती, हैप्पीनेस होती, ठीक है, ये सब हुआ करता था। तो हम जब बात करते हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल पर वापस आते हैं, और यहाँ पर इतने 108 दिव्य देशम वगैरह लॉर्ड विष्णु के बने हुए हैं छोटे छोटे ऐसे करके, सिचुएटेड ऑन द आइलैंड ऑफ श्री रंगम आइलैंड पर ये बसा हुआ है, जो कि कावेरी और कोलिडम ट्रिब्यूटरी है, तो कावेरी नदी की वहां पर क्या है, ये ओसो नदियों के किनारे पर ये बसा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यह है आपकी मधिका लैंग्वेज। मधिका लैंग्वेज क्या है, ये क्यों पॉपुलर है, देखो करंटली इट हैज ओनली 2 स्पीकर्स एंड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन। अब इस कम्युनिटी से केवल 2 लोग बचे हैं जो इस भाषा को बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब इन दोनों व्यक्तियों की डेथ हो जाएगी तो ये लैंग्वेज भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखो एक लैंग्वेज जो होती है वो केवल मीडियम नहीं होती, मीडियम ऑफ मींस शेयरिंग द आइडियाज, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती। जो कोई भी लैंग्वेज होती है उसके साथ में उसका लिटरेचर होता है, उसमें उसकी नॉलेज होती है, वो सब मर जाएगी उसके साथ में, ठीक है। तो इसीलिए ये किस में है, न्यूज में है कि 2 व्यक्ति हैं, काफी बुजुर्ग हैं, यही बचे हैं बस इस कम्युनिटी में इस लैंग्वेज को बोलने वाले। अगर इनकी फ्यूचर में डेथ हो जाएगी तो यह लैंग्वेज भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मधिका स्पोकन बाय चकलिया कम्युनिटी है, इसको ये वाली कम्युनिटी बोलती है, और इसकी स्पेशलिटी यह है कि इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मीन्स इसको लिखने लिखने का कोई सिस्टम नहीं है कि उसमें का खा गा ABCD ABCD उर्दू में जो बोलते हैं, वो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो ये कैसे सीखी जाती थी, एक दूसरे से बोल करके। इट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हव्यक कन्नड़, जो कन्नड़ भाषा है आज की, उसमें भी जो ओल्ड फॉर्म हुआ करता था उससे ये पूरी की पूरी तरह से मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड है। हालांकि इट इज अ ब्लेंड ऑफ तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम, ये चारों पांचों भाषाओं का लगभग क्या है, ये एक मिक्सअप है, और इन सब का मिक्सअप ही क्या है, आपकी मधिका लैंग्वेज है। इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस का हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं, जिसका नाम एक तो है स्पैल, तो स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, ये चलता है। फिर है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी है वहां पर लैंग्वेज स्टडीज के लिए बहुत सारे सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, कि जो ऐसी लैंग्वेजेस जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, उनकी स्टडी भी हम क्या कर रहे हैं, वहां पर उनका प्रमोट कर रहे हैं। नाउ हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये क्या है, इसका नाम है देखो प्रोजेक्ट भीष्म, है ना। भीष्म तो आप जानते होंगे, भीष्म महाभारत में ही एक व्यक्ति हुआ करते थे, महाभारत में, ठीक है, पितामह भीष्म के नाम से इनको जाना जाता है। कौरव पांडवों के क्या थे, ये ग्रैंड पेरेंट थे, सॉरी जो है ग्रैंड फादर थे, ऐसे समझ लो उनको। टू अभी रिसेंट में कंटेक्स्ट में क्यों आया, कि 2 आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब्स डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म हैव बीन डिप्लॉयड इन अयोध्या में। तो अयोध्या में क्या हुआ है कि ऐसे 2 हॉस्पिटल्स को डिप्लॉय किया गया है, और कैसे हॉस्पिटल है ये, जो काम आते हैं डिजास्टर के समय पर। क्या नाम है इनका, आरोग्य मैत्री क्यूब या आरोग्य मैत्री
हॉस्पिटल, आओ इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया हैज बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल। तो ये जो प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर ये जो मैत्री क्यूब बनाया है इन्होंने, आरोग्य मैत्री क्यूब, ये क्या है कि वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है। मीन्स ये ऐसा हॉस्पिटल है कि किसी एरिया में यदि डिजास्टर आ गया तो सिंपल सी बात है, जब भी डिजास्टर आएगा तो वहाँ के आसपास की जो बिल्डिंग्स वगैरह होंगी वो क्या हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। हो सकता है वहां पर फ्लड आ जाए तो हॉस्पिटल्स में पानी भर सकता है ना। हो सकता है वहां पर कोई अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए तो उनमें पानी भर सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे पास हॉस्पिटल तो बचेंगे नहीं उस सिचुएशन में, अगर ऐसी कोई डिजास्टर आएगा, आग लगेगी, फ्लड आएगा, ऐसा कुछ भी। तो उसके लिए क्या प्रिपेयर किया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाए हैं और इनका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री क्यूब। और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, तो ये आते हैं प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर ये आते हैं। ये जितना भी हमने जो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर किया है, क्या है इनके बारे में, द हॉस्पिटल कैन बी एयरलिफ्टेड। तो इस हॉस्पिटल को आप एयर मीन्स हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो भी प्लेन्स वगैरह होंगे उनकी हेल्प से इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। असेंबल्ड इनटू 70 क्यूब्स, मीन्स ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स हैं, हालांकि छोटे नहीं, रूम के बराबर जो स्टील वगैरह के बने हुए हैं, वो ऐसे करके सब आपस में धीरे धीरे वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके कनेक्ट होते चले जाएंगे तो कुछ ही समय में वहां पर क्या बिल्ड कर दिया जाएगा, हॉस्पिटल पोर्टेबल होगा ये। तो जहां पर बाढ़ ऐसा कुछ भी आया सबको आपस में कनेक्ट करके हॉस्पिटल बन जाएगा। तो 72 क्यूब्स इसमें होने वाले हैं, एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट के साथ में होंगे और बेसिक सप्लाईज भी इसमें होगी। और ये एक ही बार में लगभग 200 लोगों को वहां पर हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर 48 आवर्स के लिए। तो 48 आवर्स में तो फिर बाकी जो है सेटिंग की जा सकती है, अरेंजमेंट की जा सकते हैं जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या कोई क्राइसिस होता है। तो इट हैज बीन डेवलप्ड है इंडिजीनियसली अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर इनको डेवलप किया गया है। तो भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। मैत्री इसके लिए सपोज करो, मैत्री की सपोज करो कि नेपाल में क्या हुआ, मान लो कोई भूकंप आ गया, पहले भी आया, तो क्या कर सकते हैं हम, हमारे जो एयरफोर्स है वो फटाफट से इनको लेकर के जाएगी और कहीं भी जगह पर एस्टेब्लिश करके तुरंत हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाएगा ऐसे किसी एरिया में। ठीक है, द हॉस्पिटल इंक्लूड्स ऑपरेशन थिएटर होंगे जिसको ओटी बोलते हैं, उसमें मिनी आईसीयू होंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट्स होंगी उसमें, वेंटिलेटर्स होंगे, ब्लड टेस्ट के इक्विपमेंट्स होंगे, एक्सरे मशीन होंगी, कुकिंग स्टेशन होगा, फूड की फैसिलिटीज होंगी, वाटर होगा, शेल्टर होगा, पावर के जनरेटर होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज दोज आर अवेलेबल ओनली इन हॉस्पिटल्स, सो दे हैव बीन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज प्रोजेक्ट भीष्म। और ये क्या होगा, पोर्टेबल हॉस्पिटल होगा जिसको बड़ी इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और इमरजेंसी सिचुएशंस में ऑन द स्पॉट इमीडिएटली फास्ट रैपिड उस लेवल पर हम सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे ऑल ओवर इंडिया और इवन आउट ऑफ इंडिया फॉर आवर नेबरिंग जो है फ्रेंड कंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड वेरियस न्यूज फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू आर watching with your pen and paper to note down important points which can help you in your examination. So now we are going to end today's session in the hope that we will meet again in the next session. Tab tak ke liye aapko bye bye, thank you very much, take care.